एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम मिले हैं इस छोटे से सेशन में, लेकिन ये छोटा सा सेशन आपको बहुत काम आने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। ठीक है, तो स्टोर्ड पेस्ट जो ग्रेन होते हैं उन पर कौन से इंसेक्ट अटैक करते हैं, सो दिस विल बी टॉक्ड इन टुडेज सेशन। लेकिन उससे पहले अड्डा की ऐप देख लीजिए। इस अड्डा की ऐप पे बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे आपको, करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, क्विज, पावर कैप्सूल्स। सो यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। एंड ये ऐप पूरा मतलब खजाना यार नॉलेज का। गो एंड डाउनलोड द ऐप नाउ। जो भी लोग फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दे कैन सब्सक्राइब एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे, राइट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेज सेशन, जो कि स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के ऊपर है। सबसे पहले तो वो पेस्ट अक्सर अलग होते हैं जो फील्ड में क्रॉप पर अटैक करते हैं, जब आपकी क्रॉप फील्ड पर होती है, और वो पेस्ट अलग होते हैं जो आप स्टोर करते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग। जब हम अपने घरों में, अपने गोडाउन्स में स्टोर करते हैं, तब जो पेस्ट उन पर अटैक करते हैं, है ना। जैसे चूहे भी आपके स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट में आएंगे। चूहे अक्सर कब अटैक करते हैं? जब हम बोरी में भर भर कर अनाज अपने घर में रखते हैं। लेकिन आज की जो ये हमारी क्लास है, इसमें हम चूहों के बारे में बात नहीं करेंगे, हम केवल इंसेक्ट के बारे में बात करेंगे, राइट। वेरी वेरी गुड इवनिंग रिया, दिशा, अभिषेक, काजल एंड वेलकम टू द सेशन गाइस, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये कहानी छोटी सी। सबसे पहले तो बात यही आती है कि स्टोर्ड पेस्ट होते क्या है। जब आप घर में अपने ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं और उस टाइम जो पेस्ट अटैक करते हैं, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे मैंने आपको जैसे बताया चूहे हो, या कोई और एनीथिंग बर्ड्स हो, कुछ भी हो, है ना, जो आपके जो ग्रेन्स हैं उनको खराब कर रहे हैं, वो आपके सारे क्या हैं, स्टोर्ड पेस्ट में आते हैं। सो दे आर अटैकिंग द स्टोर्ड ग्रेन जो आपने स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, चलिए। तो आपके जो ये स्टोर्ड पेस्ट हैं, ये अक्सर दो टाइप के होते हैं। वन इज द प्राइमरी पेस्ट, प्राइमरी पेस्ट है। सेकंड इज द सेकेंडरी पेस्ट, है ना। दूसरा क्या होते हैं? सेकेंडरी पेस्ट होते हैं। प्राइमरी पेस्ट क्या होते हैं? व्हाट आर प्राइमरी पेस्ट? प्राइमरी पेस्ट जो है होल ग्रेन पर अटैक करते हैं, जो पूरा है, साबुत है, बना हुआ है अपनी शेप में, उस पर जब अटैक करते हैं उन्हें प्राइमरी पेस्ट कहते हैं, यानी कि पहला अटैक करते हैं, प्राइमरी अटैक करते हैं। ठीक है, एग्स आर लेड इनसाइड द ग्रेन, ग्रेन के अंदर ही एग्स लेइंग की जाती है, उसी के अंदर हैचिंग होती है, उसी के अंदर लार्वा बड़ा होता है, उस पर फीड करता है और फीड करते हुए बाहर निकल जाता है। बिफोर द लार्वा मैच्योर्स द इनसाइड द ग्रेन दे कैन च्यू देयर वे आउट, और बाहर निकल जाते हैं मैच्योर होने से पहले। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? लेजर ग्रेन बोरर है, ग्रेनरी वीविल है, राइस वीविल है, ये आपके क्या है? प्राइमरी पेस्ट है। तो फिर सेकेंडरी पेस्ट क्या होते हैं? सेकेंडरी पेस्ट वो होते हैं जब प्राइमरी पेस्ट एक बार अटैक कर चुके हैं, उस अटैक्ड वीट पर, उस अटैक्ड सीड पर अगर दूसरा कोई इंसेक्ट अटैक करता है तो इसको सेकेंडरी अटैक कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये होल ग्रेन्स पर अटैक नहीं करते, जो ऑलरेडी वीक है, टूटा हुआ है, जिसकी वॉल कमजोर हो चुकी है, ये उस पर अटैक करते हैं, है ना, खाए हुए को और खा लेते हैं, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। तो ये वो वाले पेस्ट है, इनको कहते हैं सेकेंडरी पेस्ट। आज की क्लास में हम प्राइमरी पेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी पेस्ट में आपका सबसे पहला क्या है? लेजर ग्रीन बोरर। ठीक है, लेजर ग्रीन बोरर की शक्ल देख लिए, पहचान लीजिए, यही है वो इंसान जो आप लोगों को करता है परेशान, है ना। इंसान नहीं है वैसे, इंसेक्ट है। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? साइंटिफिक नेम है राइजोपर्थिका डोमिनिका। ठीक है, तो ये बहुत ही डोमिनेंट है। सो इसका नाम क्या है? राइजोपर्थिका डोमिनिका है। ठीक है, लेजर ग्रेन बोरर का कॉमन नेम ऑफकोर्स लेजर ग्रेन बोरर होगा, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फैमिली क्या है इसकी? फैमिली है बोस्ट्राइकिडी फैमिली। ठीक है, तो
मैंने बताया था ना, डोमिनेंट है। डोमिनेंट लोग कौन होते हैं? जो बोसी होते हैं ना, अपना दिखाते हैं, आई एम द बॉस, मेरी चलेगी, वो वाले लोग होते हैं बोसी लोग। तो ये बॉसी है इसीलिए डोमिनेट करता है। तो ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? बोस ट्राइकिडी फैमिली से बिलोंग करता है। बोस की फैमिली से बिलोंग करता है क्योंकि ये डोमिनेंट है। तो बोस ट्राइकिडी जो है इसकी फैमिली का नाम है। अब वीविल या जो बिटल्स होते हैं ये हम सभी जानते हैं। सारे वीविल्स, सारे बिटल्स किस से बिलोंग करते हैं? कोलियोप्ट्रा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। इन्फेक्शन स्टेज कौन सी है? इसके एडल्ट एंड इसके ग्रब्स दोनों ही स्टेजेस, यानी कि इमेच्योर स्टेज भी और मेच्योर स्टेज भी, एडल्ट स्टेज भी, दोनों ही स्टेजेस जो हैं आपके जो ग्रेन्स हैं उन पर फीड कर सकती हैं, राइट? तो ये इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपको काम आने वाली है। ये प्राइमरी पेस्ट है, नाम है राइजोपर्थिका डोमिनिका, क्योंकि प्रथाओं से हटकर डोमिनेट करता है, डोमिनिका इसके नाम में आता है। डोमिनेंट लोग बॉसी लोग होते हैं, बॉस के जैसे हुक्म चलाते हैं, तो बोस ट्राइकिडी फैमिली से बिलोंग करता है। लेजर ग्रेन बोरर इसका कॉमन नाम है, कोलियोप्ट्रा इसका ऑर्डर है। इन्फेक्शन स्टेज एडल्ट प्लस ग्रब, दोनों ही स्टेजेस इन्फेक्शियस स्टेज होती है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा लेजर ग्रेन बोरर, विच इज अ प्राइमरी पेस्ट, जो क्या है हमारा, एक प्राइमरी पेस्ट है। दूसरा है साइंटिफिक नेम जिसका है साइटोफिलस ओराइजी। इसको नॉर्मली हम किस नाम से जानते हैं? राइस वीविल के नाम से जानते हैं, राइस वीविल, ठीक है? साइंटिफिक नेम क्या है? साइटोफिलस ओराइजी। ओराइजी राइस के नाम में आता है साइंटिफिक नेम में, ओराइजी इसके नाम में भी आता है। साइटोफिलस आपने याद रखना है, ठीक है? फैमिली क्या है? करक्यूलिनिडी फैमिली है। जितने भी विविल्स हैं एंटोमोलॉजी में, सभी किससे बिलोंग करते हैं? करक्यूलिनिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कोई बहुत हार्ड नहीं है इसको याद करना। वैसे भी इसका नाम इतना अजीब है कि समहाउ ये याद हो जाता है ना, करक्यूलिनिडी, क्यूरकुर करता है ना, तो करक्यूलिनिडी फैमिली से विविल बिलोंग करते हैं सारे विविल्स। तो ये कौन सा अलग है? ये भी इसी फैमिली से बिलोंग करेगा। और पिछले ही स्लाइड में मैंने बताया बिटल्स और विविल्स दोनों कोलियोप्ट्रा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। तो ऑर्डर क्या रहेगा बच्चे? आपका कोलियोप्ट्रा ऑर्डर रहेगा, ठीक है बच्चे? आपकी गरिमा, इसके बाद में बताती हूँ आपको व्हाट आर द क्लास टाइमिंग्स, जो आपकी रेगुलर क्लास टाइमिंग है मैं अभी बताती हूँ आपको। इन्फेक्शियस स्टेज क्या है? एडल्ट्स एंड ग्रब्स, एडल्ट्स एंड ग्रब्स दोनों इसमें भी इमेच्योर स्टेज। ग्रब क्या है? इमेच्योर स्टेज है, ठीक है? इमेच्योर स्टेज है। और एडल्ट स्टेज, दोनों ही स्टेजेस जो है आपके सीड्स पर फीड करती है। जो इसका ये वाला पोर्शन होता है ना, ये स्टाउट सा निकला होता है, चोंच से निकली होती है, तो इससे आप इसको पहचान सकते हैं कि ये विविल है और ये लेजर ग्रेन बोरर है, ठीक है? इसमें ये चोंच नहीं होती, तो आप इसको पहचान सकते हैं इजीली, राइट? फिर है आपका तीसरा, विच इज अगेन अ वेरी कॉमन स्टोर्ड पेस्ट, जिसका नाम है खपरा बिटल, ठीक है? खपरा बिटल बहुत सुना है आप लोगों ने, ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है? ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम ग्रेन्स पर फीड करता है, तो ग्रेनेरियम इसके नाम में आ जाता है। डर्मा, देखिए डर्मा आ रहा है इसके नाम में, क्या आ रहा है? डर्मा इसके नाम में आ रहा है। और फैमिली क्या है इसके? डर्मा, डर्मा सिडी फैमिली से बिलोंग करता है, डर्मेसिडी फैमिली से। डर्म का मतलब क्या होता है? वैसे डर्म का मतलब होता है स्किन, राइट? तो इसके यहां पे डर्मा आ रहा है और इसकी फैमिली में भी डर्मेसिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ग्रेन्स पर फीड करता है तो पीछे ग्रेनेरियम लग जाता है, ठीक है? दीज आर द जस्ट लर्निंग टेक्निक्स कि आपको ये नाम याद हो जाए, क्योंकि साइंटिफिक नेम याद करने में बच्चों की मौत आ जाती है ना, मेरी भी आती है भाई, ऐसा नहीं है, मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ, मैं वो शकलक बुम बुम वाले झुमरू नहीं हूँ कि ऐसे किताब लगाई और सब याद हो गया, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो हमें कुछ लर्निंग टेक्निक्स बनानी पड़ती हैं ताकि हम इनको याद कर सकें, कोई स्टोरी इनके साथ रिलेट करनी पड़ती है, ताकि एटलीस्ट हमें फुल स्पेलिंग के साथ नहीं तो इतना तो याद हो जाए कि हम टिक के मार सके अपने एग्जाम में, राइट? जी वेरी वेरी गुड इवनिंग विवेक। ऑर्डर अगेन बिटल है, तो किससे बिलोंग करेगा? कोलियोप्ट्रा ऑर्डर से बिलोंग करेगा। इन्फेक्शियस स्टेज एडल्ट एंड ग्रब, इसके भी दोनों ही स्टेजेस इन्फेक्शियस स्टेज होती है। थोड़ा राउंड राउंड सा ये जो है इंसेक्ट दिखता है, लेजर ग्रेन बोरर और राइस विविल से बिल्कुल अलग है। इसका नाम क्या है अपना? खपरा बिटल है, बहुत
बहुत ही मेजर पेस्ट है आपके स्टोर्ड पेस्ट में से, है ना। सो ये है हमारी खपरा बिटल। इसी तरीके से सेकेंडरी पेस्ट होते हैं जो हम अपनी क्लासेस, रेगुलर क्लासेस में पढ़ेंगे या फिर किसी और छोटे से सेशन में कंप्लीट करेंगे। ये तीन छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, मैम थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही है ताकि थोड़ा थोड़ा आप याद करें, लेकिन अच्छे से याद करें। तो तीनों इंसेक्ट आज शाम तक आपके टिप्स पर होने चाहिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके क्लास टाइमिंग्स की। क्लास टाइमिंग्स क्या है बच्चे आपके? 2 से 2:30 बजे और 2:30 से 3 बजे, ठीक है। ये आपकी FCI की रोज क्लास हो रही है, जहां आप YouTube पर फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। दीज आर योर रेगुलर टाइमिंग्स फॉर FCI, ठीक है। तो ये आपकी रेगुलर टाइमिंग है FCI की, 2 से 2:30, 2:30 से 3। FCI की YouTube क्लासेस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू कैन अटेंड देम एंड दे विल हेल्प यू इन द प्रिपरेशन। ये आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल रहेंगी। आप लोग चाहें तो आप बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, AG3 टेक्निकल और FCI कैटेगरी 2 मैनेजर। दोनों ही पोस्ट के लिए Phase 1, Phase 2 कंप्लीट बैचेस आपके हैं। प्राइस यहां पर लिखा हुआ है 4,140 रुपीज विद द कोड Y448। 4+4 8 होते हैं, तो Y448 कोड के साथ ये प्राइस मिलेगा, अदरवाइज प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कोड, कूपन कोड लगाना ना भूलें ताकि आपकी जेब थोड़ी सही सलामत रहे, है ना। इसके जो स्टार्टिंग डेट है बच्चा वो है 19th सितंबर। 19th सितंबर से आपका Phase 1, Phase 2 दोनों ही क्लासेस, AG3 की भी और FCI मैनेजर की भी शुरू हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज अबाउट योर कंप्लीट कॉमन बैच। जो लोग दोनों का फॉर्म भर रहे हैं, FCI AG3 का भी भर रहे हैं, FCI मैनेजर पोस्ट का भी भर रहे हैं, तो दोनों का फॉर्म भर रहे हैं तो दोनों में अलग अलग पे करके, तो मतलब 4,000 वो 4,000 वो 8,000 से ऊपर आपका पड़ जाएगा। सो देयर इज अ कॉमन बैच, आपका एक कॉमन बैच है, आपको दोनों के लिए अलग अलग पे नहीं करना पड़ेगा इसमें। और इसकी फीस है 4,599, अगेन विद द सेम कोड Y448। आज आप लोगों की टेस्ट सीरीज पर भी जो है 22% ऑफ है, ठीक है। So, if you want, you can get the test series. I know it's a initial phase. अभी आपको test series की जरूरत बिल्कुल नहीं है, अभी आपको जरूरत है अपने concepts clear करने की। Test series हमें last में लगानी है, लेकिन अगर extra off है तो हम लेके तो रख सकते हैं, है ना, practice कभी भी कर सकते हैं। Again, using the code Y448, लेकिन test series है तो इसके लिए S भी लगाना पड़ता है। अब आप में से कुछ लोग पूछते हैं, मैम कि FCI के लिए बुक्स नहीं है हमारे लिए, हमें सॉफ्ट कॉपीज से पढ़ना कम अच्छा लगता है ना। सो बुक्स के लिए आई विल शो यू Adda 24/7, लेकिन उससे पहले सेशन अगर अच्छा लगा हो, छोटा सा इन्फॉर्मेटिव सा सेशन है, प्यारा सा क्यूट सा, तो इसको फटाफट से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है, है ना। तो चलो Adda 24/7 टाइप करना है अपने गूगल पे और ये आपकी फर्स्ट साइट आ जाती है, ठीक है। ऑल कोर्सेज में जाइए और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके चूज कीजिए FCI, ठीक है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को क्लिक कीजिए। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन आता है वो आपका लाइव क्लासेस का आता है, जिसमें आपका कॉमन बैच भी है, FCI टेक्निकल बैच भी है, ठीक है। तो जो बैच में आप एनरोल करना चाहें उस पर क्लिक करें, ठीक है। सेकंड यहां पर नीचे क्या है, टेस्ट सीरीज है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आपकी जनरली सारी टेस्ट सीरीज यहां पर मौजूद है और इसी के नीचे आपकी जो है बुक्स भी मौजूद है, ठीक है। दीज आर योर डिफरेंट बुक्स, आई विल शो यू हियर। यहां पर देखिए, ये आपकी बुक्स हैं। इफ यू आर ऑर्डरिंग दीज बुक्स, दे विल बी लाइक डिलीवर टू यू, है ना। ये आपको हार्ड कॉपी में बुक्स मिलेंगी, ये आप ले सकते हैं। ऑलमोस्ट 1100 के आसपास इनका प्राइस रहेगा। कोड सेम यूज करना है, S यूज करना है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर FCI, ये आपका पूरा FCI का है। आगे इसमें कैसे एनरोल करना है, कोई भी जो भी चीज आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे हम टेक्निकल सेलेक्ट करेंगे, ठीक, तो उसमें हमने यहाँ थोड़ा सा नीचे जाना है और बाय नाउ पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर नीचे पहुंचेंगे थोड़ा सा,
तो ये बाय नाउ आता है ना, बाय नाउ पर हम क्लिक करेंगे, एक नई विंडो आती है। इस नई विंडो में हमने कूपन कोड लगाना है विच इज Y448 और अप्लाई कर देना है। सेम ऐसे ही टेस्ट सीरीज के लिए करना है, बस Y448 की जगह S लगाना है, आपका प्राइस कम हो जाएगा। कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर, तो अपना नाम पता सब डालिए, फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, दैट्स इट, इतना करना है एंड यू कैन एनरोल इन द बैचेस, और बैचेस में एनरोल कर पाएंगे, राइट? क्या पता होगा मीनाक्षी मैम को इतना बड़ा लिख दिया है। चलो क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों से। बच्चे इनफ जैसा कुछ नहीं होता कभी भी, एक तो ये बात समझिए, है ना। आपको हमेशा हम इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो एग्जाम में आए वो हम कवर करके चले, लेकिन एग्जामिनर से मेरी कोई मतलब पर्सनल बेस्ट फ्रेंड नहीं है कि वो मुझसे पूछ के एग्जाम बनाएगा। सो वी कैन नेवर यूज द वर्ड इनफ फॉर एनीथिंग, नथिंग इज इनफ, यू नीड टू रीड एंड प्रैक्टिस ऑल थ्रू जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। कोशिश हमारी भी यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा हम आपको दे पाए, ताकि आप लोगों को कम से कम कहीं और से कंटेंट ढूंढना पड़े, है ना। शालिनी, मैंने आपको बताया था बच्चे कि आपकी एग्रीकल्चर फाउंडेशन की जो क्लास है ना, तो एग्रीकल्चर जो आपका महापैक है उसमें आपकी कंसेप्चुअल क्लासेस लगती रहती हैं बच्चे, सारी कंसेप्चुअल क्लासेस लगती हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट्स की लगती हैं। मैं हूँ, संदीप सर है, हीना मैम है, वर्षा मैम है, आकाश सर है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स सब्जेक्ट्स के जो है कंसेप्चुअल क्लासेस लगती हैं जो आप बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं बच्चे। तो उसके लिए आपको एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल करना पड़ेगा, राइट? और क्या है भाई, एडीओ के लिए भी, एडीओ के लिए सैलरी कम ही है, आई थिंक रफली 30,000 to 35,000 बेसिक है। बाकी इसमें मुझे ये नहीं पता कि प्रॉफिट्स और क्या क्या जुड़ने वाले हैं, आपको हाउस रेंट मिलता है, एचआरए मिलता है, वो सब मुझे नहीं पता है, बट द सैलरी इज नियरली 30,000 to 35,000। यूट्यूब पर क्लासेस हैं बच्चा, पेड कोर्सेज में बच्चे, जो कोर्सेज में टीचर आपको पढ़ा रहे हैं क्लास के टाइम पर, जो टीचर आपको पढ़ाता है लेक्चर में, उसकी पीडीएफ्स आपको मिलती हैं सारी, ठीक है। लेकिन टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेनी पड़ती है। अगर आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल करते हैं तो एग्रीकल्चर महापैक में क्या मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और साथ साथ एग्रीकल्चर टेक्निकल का फेज वन फेज टू वाला जो कंप्लीट बैच है वो भी मिलेगा, ठीक है। ओनली फॉर टेक्निकल दिस इज अवेलेबल, ओके। सो दैट्स ऑल, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।